बहादुरगढ़ से बड़ी खबर, बहादुरगढ़ के शेल्टर होम खाली हो गए हैं, सभी प्रवासी श्रमिकों को घर भेजा गया है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार मुहिम चला रही है प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक भेजने की। बिहार जम्मू कश्मीर के 22 श्रमिकों को घर भेजा गया है और 5 शेल्टर होम में करीब 450 प्रवासी रुके हुए थे। मेडिकल जांच करने के बाद इनको झज्जर पहले भेजा गया और उसके बाद अपने अपने गृह राज्य भेजा गया। झज्जर से अपने घरों को रवाना होंगे ये श्रमिक। बहादुरगढ़ के शेल्टर होम खाली हो चुके हैं क्योंकि जब किसी मजदूर को वापस उसके घर भेजा जाता है तो उन्हें पहले 2 से 3 दिन रुकना होता है और टेस्ट कराने होते हैं, उसके बाद ही उन्हें भेजा जाता है। बिहार जम्मू कश्मीर के 22 श्रमिकों को घर भेजा गया है, 5 शेल्टर होम रुके हुए थे और मेडिकल जांच करने के बाद इन्हें झज्जर भेजा गया है। झज्जर से अब आगे इन्हें इनके गृह राज्य भेजा जाएगा। प्रवीण धनखड़, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। प्रवीण धनखड़, 5 होम शेल्टर खाली हो चुके हैं, सभी की संपूर्ण जांच करके ही भेजा गया है ना? जी बिल्कुल, सभी जो शेल्टर होम में श्रमिक रह रहे थे उनकी मेडिकल जांच के बाद ही उनको उनके गृह राज्य, उनके गृह प्रदेश, उनके गृह जिले में भेजा गया है। इसके लिए अलग अलग बसें लगाई गई थी। पहले राजकीय कॉलेज में बने शेल्टर होम से भेजा गया था, उसके बाद बालोर स्कूल में बने शेल्टर होम से, और आज जो आखिरी 22 लोग बचे हुए थे बिहार और जम्मू कश्मीर, झारखंड के, गुजरात के लोग, उन लोगों को भी आज पूरी मेडिकल जांच के बाद झज्जर भेज दिया गया, जहाँ से अलग अलग बसों में उनको उनके गृह राज्य भेजा जाएगा। जी, क्या इन होम शेल्टर्स को दोबारा भरा जाएगा? और भी प्रवासी मजदूर हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं? शेल्टर होम में वो लोग आकर रुके थे जो पैदल जा रहे थे, जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन 1 शुरू हुआ था, उस दरमियान जो लोग पैदल अपने घरों की तरफ निकले थे उन लोगों को रोक दिया गया था बॉर्डर्स पर और शेल्टर होम में उनको जगह दी गई थी। इसके लिए पूरे जिले में अलग अलग शेल्टर होम बनाए गए थे, उन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने ये निर्णय लिया था कि जो अपने राज्य जाना चाहता है और उनके राज्य उनको लेना चाहते हैं तो उन लोगों को अलग अलग व्यवस्था करके बसों के मार्फत उनके राज्य में भेज दिया गया था। इससे पहले उनका मेडिकल जांच भी कराया गया था, उनको खाना भी दिया गया था, उनको सैनिटाइजर और मास्क भी दिए गए थे। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए।